हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद वन बाय शबनम। आज की वीडियो नर्सरी और एलकेजी के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें सर्कल द स्मॉलर ऑब्जेक्ट, बच्चे को आप बताइए स्मॉलर मतलब छोटा। दो चीज़ें हैं, उसमें से कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हमेशा जो स्मॉलर होगा उसको यहाँ पर सर्कल बोला है तो सर्कल करना है, अगर कहीं पर क्रॉस आउट होता है तो क्रॉस आउट करना है। यहाँ पर हमने सर्कल के लिए बोला है कि सर्कल करना है स्मॉलर ऑब्जेक्ट को। दो चीज़ें बनी हैं, उसमें से कंपेयर करके बताना है कौन सा स्मॉलर है और कौन सा बिगर है। तो हमने यहाँ दो ट्राइंगल्स बना रखे हैं, दो इमेजेस बना रखी हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। बच्चा बताएगा कौन सा स्मॉलर है कौन सा इन दोनों में से छोटा है, ये वाला स्मॉलर है या ये वाला। तो बच्चा बताएगा कौन सा छोटा है, आप उसे बताइए दिस वन इज स्मॉलर, उसको सर्कल करना है। नेक्स्ट में आपका ये बना रखा है हमने स्क्वायर, इनमें से पूछिए कौन सा स्मॉलर है, जो स्मॉलर है उसको सर्कल कर दीजिए। यहाँ पर टू सर्कल्स हैं, इसमें से भी ऐसे ही स्मॉलर को सर्कल, काइट्स में से भी जो छोटा है उसको सर्कल करना है। ऐसे यहाँ पर टू फ्लावर्स बने हैं, टू फ्लावर्स में से बच्चा बताएगा कौन सा स्मॉलर है, दोनों में से छोटा कौन सा है, छोटा वाला कौन सा है, छोटा है उसको सर्कल करना है। दो हर्ट्स बनी है, हाउस बना है, स्मॉलर कौन सा है उसको सर्कल करना है। स्टार में से कंपेयर करके बताएगा कौन सा स्टार स्मॉलर है कौन सा बिगर है। तो हमें बिगर को नहीं छेड़ना है, स्मॉलर को सर्कल करना है। एंड दिस लास्ट वन इज बॉल्स, बॉल्स में से कंपेयर करके बताना है कौन सा स्मॉलर है। आप बच्चों को इस टाइप की एक्टिविटीज कराते रहिए और इससे आपका बच्चा बहुत जल्दी पढ़ना लिखना सीख जाएगा, कंपेयर करना सीख जाएगा। तो एक्टिविटी के थ्रू आप बच्चे को ज़्यादा कराने की कोशिश करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए। Till then, bye-bye.